हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कंपोरी में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपने लैपटॉप के जो फोल्डर होते हैं उनका आइकन कैसे चेंज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको अपने पीसी के अंदर ले जाऊंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं अपने एक ड्राइव के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर मुझे आपको दिखाई दे रहे हूँ बहुत सारे फोल्डर। मैं कंफोरिया नाम का एक फोल्डर है, उस पर उसका मैं आइकन चेंज करना चाहता हूँ। तो उस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइज। कस्टमाइज पर क्लिक करना है। सबसे नीचे आपको दिखाई देगा चेंज आइकन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन दिखाई देंगे, जैसे जो सा चाहो आप उसे चूज कर सकते हैं, जैसे आपकी नीड हो, जैसे आप चाहते हो। तो मेरे पास, मैं एक ट्री का आइकन लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक कम्फोलियो की जड़ है, पेड़ है, इससे बड़ा करना है आप लोगों की सहायता से। तो इस पर क्लिक कीजिए। आपको जैसे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको रिफ्रेश करना, आप देखेंगे जो हमारा फोल्डर है उसका आइकन चेंज हो चुका है। दूसरा फोल्डर है हमारे पास एनिमेटेड वीडियो, इसे भी करते हैं हम चेंज। आपको फिर से राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, फिर आपको आइकन चेंज आइकन पे जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन दिखाई देंगे, तो आपकी जो मर्जी हो वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आइकन, इससे बेनिफिट होता है कि अगर आप किसी मतलब बहुत सारे फोल्डर हो और आप चाहते हो कि इस फोल्डर के अंदर क्या डेटा, तो आप उस पर आइकन लगा सकते हैं कि हाँ, इस चीज़ के अंदर ये डेटा है। ये काफ़ी अच्छा है, यूनिक है, दूसरों से अलग दिखेगा। यार सोचेगा यार ये क्या चीज़ है, ऐसे कैसे होता है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी सीखेंगे, दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखनी ज़रूरी है। आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं ज़रूर सिखाऊँगा। थैंक यू सो मच।